हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पेरेंटिंग हब। आज का जो वीडियो है वो है एक चॉकबोर्ड पोस्टर पे। मीन्स आजकल बच्चों के माइलस्टोन वगैरह या बच्चों के बारे में हम लिख सकते हैं, अपने बेबी के बारे में जो भी हमें लिखना है, तो आजकल बहुत ट्रेंड में है वो चॉकबोर्ड पोस्टर कहते हैं। जैसे कि मैंने चॉकबोर्ड पोस्टर खुद घर पे बनाया है, वो भी बहुत ही कम बजट में, तो आप ये घर पे बना सकते हैं। ये चॉकबोर्ड पोस्टर के जो प्राइस है ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है मार्केट प्राइस, तो आप इसे घर पर बना सकते हैं खुद से, वो भी बहुत ही कम पैसों में। गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपके पास जो भी कोई मेरे लिए सजेशन है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले आगे के जितने ही वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट माय वीडियो। ये मेरा बॉस बेबी थीम पर है चॉकबोर्ड, तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये रहा। अब सबसे पहले मैं एक ब्लैक कलर की शीट ले लूँगी, जो नॉर्मल साइज़ आता है शीट, एक बड़ी साइज़ की वो ली है, और इसे मैंने फोल्ड कर लिया हुआ है। मैंने छोटा सा यूज़ किया है, थोड़ा मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही थी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चॉकबोर्ड छोटा बड़ा बना सकते हैं, मुझे थोड़ा छोटा साइज़ चाहिए था तो मैंने इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लिया है फोल्ड करके, और उसे आप कट कर लेंगे सीज़र की हेल्प से, तो ये साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं और आपको जैसा साइज़ सूटेबल लगे। देन उसके बाद मैंने एक कॉपी पर या पेज वाइट पेज पर नोट डाउन कर लीजिए जो भी आपको माइलस्टोन अपने बेबी की लिखना है, उससे हमें इजी रहेगा जब हम उसमें लिखेंगे ब्लैक पेपर या ब्लैक शीट में, मतलब चॉकबोर्ड पे लिखेंगे तो वो हमें सामने ही रहेगा कि हमें क्या क्या लिखना है। एंड देन उसके बाद हमें मैं ब्लैक पेपर पे मैं क्या करूँगी कि ये जो दिख रहे हैं फर्स्ट है नए, और ये जो टाई मैंने बनाई है, ये जो ब्लू कलर का चार्ट पेपर है इस पर लिख कर मैंने कटिंग की रही है सीजर की हेल्प से, और फिर फेविकॉल से चिपका दिया ऐसे पूरा, और मैंने इससे कुछ बॉक्स डिवाइड कर दिए हैं जिनमें मैं अपने बेबी के माइलस्टोन लिखने वाली हूँ सारे, और उस पर मैं वाइट कलर से मैं मतलब ब्रश की हेल्प से डॉट डॉट करके वो पार्टीशन कर रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने ये पूरा पार्टीशन किया हुआ है, ये पूरा मैंने वाइट कलर से डॉट डॉट रख के ब्रश की हेल्प से किया हुआ है, और इसके बाद मैंने जो ये माय और पौधे और द बॉस लिखा हुआ है ये मैंने वाइट कलर के पेपर पे लिखकर उसको भी कटिंग करके इस पर चिपका दिया। इसके बाद ये देख रहे हैं आप मेरे बेबी के बारे में जो भी मैंने लिखा है, जैसे फेवरेट सॉन्ग, आई कैन, ये भी मैंने शीट पर लिखकर इसको चिपका दिया है। ये मैंने ब्लू कलर की शीट पर लिख के उसको कटिंग करके चिपकाया हुआ है। उसके बाद मैं ये वाइट कलर से ब्रश की हेल्प से मैंने ये सब लिखा हुआ है अपने बेबी के बारे में, और जो मैंने ये कुछ स्पेसेस छोड़ी है यहाँ पे मैं स्टिकर्स लगाऊंगी बॉस बेबी के और जो भी मुझे लगाने हैं, और ये मैंने वाइट कलर से पूरा लिखा हुआ है। ये मैंने सारे स्टिकर भी लगा दिए हैं, ये मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे सारे स्टिकर्स के, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको स्टिकर लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से देख लीजिए मैंने किस तरह से स्टिकर लगाए, कौन से कहाँ पे, तो मैंने ये सारे लगा दिए बॉस बेबी के स्टिकर्स निकलवा के। प्रिंट आउट नॉर्मली 10-15 रुपए में निकल आता है, तो आप वो निकलवा के इस पर चिपका सकते हैं कटिंग, ये कटिंग करके यूज़ करिएगा। एंड देन ये दीवार पे मैंने डबल साइडेड टेप से इसको चिपका लिया है।